एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक। मैं हूं आपके साथ शिवांगी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बीकानेर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। रविवार को शाम तक अंकित हुए 64 नए पॉजिटिव केस। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आई हॉस्पिटल रेलवे ब्रिज से लेकर पवनपुरी नगर निगम द्वारा जा रहे नालों की सफाई कार्यों का किया निरीक्षण। क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस देहात सेवा दल द्वारा निकाली गई तिरंगा पद यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कर्मचारी मैदान में आदिवासी समाज द्वारा किया गया पौधारोपण कार्यक्रम। अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर दिया गया ज्ञापन। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम का कोविड सेंटर एक बार फिर बना चर्चा का विषय। अव्यवस्थाओं को लेकर हालत हो रहे हैं बदतर। स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष को जिला कलेक्टर मेहता द्वारा किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। रविवार को जहां पहली रिपोर्ट में 3, दूसरी में 23, तो उसके बाद आंकड़ा बढ़ते बढ़ते शाम को 64 तक पहुंच गया। जिले भर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 2600 पार हो चुकी है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज आई हॉस्पिटल रेलवे ब्रिज से लेकर पवनपुरी तक नगर निगम द्वारा किए जा रहे नालों की सफाई कार्यों का निरीक्षण किया और नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए। वहीं पवनपुरी के पास से गुजर रहे मुख्य नाले पर अतिक्रमण करके घर बसाए गए, जो बरसात के दौरान कभी भी धराशायी हो सकते हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश भी दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त मेघरा सिंह मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर AH गौरी भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने बात की जिला कलेक्टर नमित मेहता से। नालों का अभी जो नगर निगम और UIT की जो टीम्स है, वो सारी नगर पूरे शहर के जो नाले उनकी सफाई में लगी है, ताकि बारिश में जो अव्यवस्था होती है वो ना हो। तो उसमें अभी 3-4 जगह पर आज काम चल रहा है। तो उसका अपन एक बार ये देखने आए थे कि मौके पर क्या स्थिति है। और आप लोग ने भी देखा, कई लोगों ने एकदम नालों के जो एज है उस पर मकान बना रखे हैं। तो न केवल उन्होंने अतिक्रमण कर रखा, पर वो खुद उसमें जो डेंजर जोन के अंदर है, कभी भी वहाँ अगर लैंडस्लाइड कुछ छोटा मोटा भी होगा तो पूरा मकान नीचे धराशायी हो जाएगा। तो ये बड़ी मतलब वो है, अभी इनको भी हम नोटिस देंगे सारे मकानों को जो पीछे पीछे अभी लाइन चल रहे हैं। और इसके अलावा जो ये बड़ा नाला है, जो मेन नाला अपना है, इसमें कई जगह अवरुद्ध है। उन अवरुद्धों को भी हटाने की अब ये बड़ी मशीन लग रखी है। क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस देहात सेवा दल द्वारा तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से निकाली गई इस तिरंगा पद यात्रा को कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष सलीम भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस देहात सेवा दल अध्यक्ष श्रवण रामावत सहित सेवा दल के पदाधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं तिरंगा पद यात्रा रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर गांधी पार्क तक पहुँची।
गांधी पार्क में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का आरोप भी लगाया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की सेवा दल की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। सेवा दल की क्या पहचान, क्या तपस्या और तपस्या और बलिदान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। जय हो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अमर रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बना बताओ 11 हैं 11 11 जना क्यों लिए दिखा दे। हमारे संवाददाता ने बात की कांग्रेस देहात सेवा दल के अध्यक्ष श्रवण रामावत से। बातचीत तिरंगा यात्रा हमने हमारे KM रोड रतन बिहारी पार्क स्थित वहां से निकाल के हमने विभिन्न मार्गों से होते शहर के महात्मा गांधी पार्क सर्किट हाउस के पास तक ये यात्रा निकाली है। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि केंद्र में जो भाजपा सरकार बैठी है वो आज सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, तो जनता की भावनाओं को, विरोध को हम लेके सड़कों पे उतरे हैं। मैन एक तरह तो ये है कि जहां हमारी कांग्रेस सरकारें हैं जैसे कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश में बनी थी, उनको गिराने का काम किया है। इसके अलावा राजस्थान में भी उसी तर्ज पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है, उनको हम विफल कर देंगे। और पूरी तरह से वो जिस तरह से राज्यपाल जी को और को जितनी भी जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी संस्थाएं जैसे ED है, इसके अलावा CBI है, आयकर विभाग, उसका दुरुपयोग करके गलत तरीके से जो है छापे मरवा रही हैं और कभी कुछ कार्य करवा रही है, पूरी तरह से जो द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है उसके खिलाफ जो हम सड़कों पर उतरे हैं कि लोकतंत्र खतरे में इस देश का है। सर कि सेवा दल जो है अभी एक तो कोरोना महामारी चल रही है तो हमें कुछ सीमित संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है सेवा दल के, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा है हमने। जहाँ तक विरोध कांग्रेस के पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम गांव ढाणी और शहर के जो कार्यकर्ता है जनता के बीच में रहते हैं, सरकार के लिए हम कड़ी का काम करते हैं। हमें तो ऊपर से जो निर्देश मिलते हैं कि आपको पार्टी के लिए ये करना है और सरकार के लिए करना, वो हम कर रहे हैं। लेकिन बाकी बातें तो देखो ऊपर की है, कितने खेमे बने क्या बने, ये सियासी ऊपर की है, इसके बारे में कुछ नहीं। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, बने रहिए हमारे साथ। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन। गैस और भारीपन में लाभकारी, अस्थमा और सांस की बीमारी दूर करे, अमृत मंथन। जोड़ों का दर्द और गठिया से दिलाए राहत, घटाए वजन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोटगेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com।
ओ खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाहे मीठा या नमकीन की अल्लाह। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीका राम जान वाले है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। SDP Memorial School, co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. Systematic and holistic teaching approach, incorporation brain exercise and small group approach. Committed and dedicated faculty for excellent academic achievement. Effective student-teacher ratio 25:1. Stress-free, bias and independent learning atmosphere. Emphasis on playway methods for preschool, LKG, UKG and grade 1. Admission open for nursery to 12th. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 998399-95831. 998332831. 98752-73831. 9610447606. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आदिवासी दिवस के अवसर पर बीकानेर में आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने कर्मचारी मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान महिलाएं और पुरुष आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। आदिवासी समाज से जुड़े भगवान सहाय मीणा ने बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस के रूप में पहचाना जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए कार्यदल गठित किया था। हमारे संवाददाता ने की आदिवासी समाज से जुड़े संतोष कुमार मीणा से बातचीत। विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासी शब्द सुनते ही दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि जंगलों के अंदर अपने छाल की वेशभूषा पहने हुए, हाथ में तीर कमान लिए हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदिवासी दिवस है, उस जब से सृष्टि बनी है तब से आदिवासी दिवस आया है, चलता आया है। लेकिन 9 अगस्त 1994 से आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आदिवासी दिवस के आदिवासियों का भारत की स्वतंत्रता में बहुत सहयोग है। आज आपने क्या किया है यहाँ पे? आज हमने आदिवासी दिवस मनाया है। तो इसमें क्या कार्यक्रम किया है? इसमें कार्यक्रम है कि बच्चों को आदिवासी वेशभूषा पहनाई गई है, तीर कमान भाला, महिलाओं को आदिवासी ड्रेस पहना करके और इस दिवस के ऊपर पेड़ पौधा लगाए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल PBM के कोविड सेंटर का हालात बदतर होते जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रोगी जो दुख पा रहे हैं और डॉक्टर नहीं आने की शिकायत भी लगातार कर रहे हैं, तो वहीं रोगियों का कहना है कि वहां कोई सुनवाई नहीं है। PBM के कोविड सेंटर में सफाई व्यवस्था तो चरमराई हुई है, इसके अलावा कोविड सेंटर में भर्ती रोगी भी अत्यंत परेशान हो रहे हैं। और इस गंदगी में सारे जने बैठ रहे हैं, मतलब
मारा और जीरो राम कर देती है। ये देखो ये हाल है, सब लुगाया रहा है। भाई लुगाई आप में आ गए हैं ना, सब कुछ कर रहा है आदमी तो है नहीं, 10% होती है लुगाया नहीं, 99% बाकी मैं तो क्या हूँ जिको एक काम करे नहीं पाना, पर बुजुर्ग है सोपन है नहीं करना चाहिए इस काम। हाँ ये दिखाते हैं क्या कहना है कोविड सेंटर के भर्ती रोगी का। कितने दिन से यहाँ पे? मैं 22 दिन हो गए बेटे आज मेरे को, 22 दिन 19 तारीख का मैं एडमिट हूँ। और आप तब से यही हालत हो रही है? यही हालत हो रही है, 6 बारी मैंने मतलब टेस्ट किया है, पॉजिटिव आ रहा है, और ये ही नहीं बताते उसका कारण क्या है। कोई ना कोई कारण तो होगा, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेरे कोई फीवर वगैरह कुछ भी नहीं, फीवर नहीं, कोई गला नहीं खराब, कोई लूज मोशन नहीं, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मगर पॉजिटिव आ रहे हैं ऐसा क्यों? बड़ी बात कोई सुनता ही नहीं, खाना आ जाता है, कोई सामान आता है, बार बार कहना पड़ता है, वो ऐसे हैं कि लोगों को तो यहाँ डॉक्टर साहब को कुछ कहते हैं ठीक है ठीक है हो जाएगा, अब से अब ठीक हो, वो यही पूछते हैं आप ठीक हो, सब ठीक चाहिए भाई, आपका पॉजिटिव आ रहा है उसका कारण क्या है उनको पूछना चाहिए, आपको क्या क्या तकलीफ है। अब वो बच्चे गए हैं तो पता चला कि इनको साइनस। आपका सुबह नीचे खाना आधे घंटे से था और सारा ठंडा आया, सारा ठंडा आता है, दूध भी ठंडा, रोटी कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं, कोई करता ही नहीं, सफाई नहीं, यहाँ एसी खराब हो गया 6 दिन में। वॉशरूम अंकल आप लोग कैसे? अरे साहब वॉशरूम भी इतने गंदे हैं, पानी पड़ा रहता है एक दूसरे के, मतलब है कि मैं क्या क्या चीज बताऊँ जो यहाँ कमियाँ हैं, मगर कोई सुनता नहीं, सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। फिर खाना जो खाना लाइक चेक करके गए, फिर मैंने फिर जाके बोला। और सुबह जो चाय आती है वो भी कह रहे कि ठंडी आती है, आते आते ठंडी हो जाती है, पी भी नहीं सकते, उन्होंने बोला ना उस टाइम खाने चाय के वहां से मन करते हैं टाइम लगता है, लेकिन अपनी घरवाली भी वो भी ठंडी कुछ स्वाद नहीं चाय में, एकदम ठंडी हुई गंदी सी चाय, एकदम गंदी चाय आवे, बस इसी को मदी चना देश कुछ व्यवस्था नहीं है, इतना गंदा पड़ा है, कोई हाल ही नहीं, बाथरूम भी नहीं कर सकते हैं, आप देखो तो सही वहाँ पे जाके पानी पीना आराम। आंटी आपको क्या दिक्कत, आपको क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पे? भाई लेटरिन बाथरूम में गंदगी बहुत पड़ी है, बड़ी चप्पल, और यहाँ पे डॉक्टर वगैरह को बाली में भी 4 दिन आज थोड़ी थोड़ी सफाई वही बीच बीच में करके गया हूँ। और कितने दिन से आप यहाँ पे हो? 3 दिन हो गया, झाड़ू भी नहीं निकाला हुआ है, देखो झाड़ू भी नहीं निकालते हैं, हम बैठे हैं वहाँ, देखो क्या रहा है, हम डाल के आए हैं उठा कर, कोई बात नहीं, अपना कसूर तो अपन डाल देते हैं। और डॉक्टर वगैरह कोई आपका ट्रीटमेंट कोई पूछने आता हो कुछ भी? और जो खाना आता है नीचे वो आपको कितनी देर तक पहुंचता है? वो थोड़ा से कम आधे घंटे में आता है, 15 मिनट में आता है, और जब तक ठंडा हो जाता है मतलब, और आधा गिरा हुआ आता है, और कुछ दिक्कत नहीं हमारे, तो कितने बजे कम से कम 10 दफे बोल के खाना सब वो ला के देते हैं, तो आइए सुनाते हैं आपको कोविड सेंटर में उपचार कर रहे चिकित्सक और रोगी के बीच हुई बातचीत। आप ये टॉयलेट साफ करवा दो, फिर किसको कहने का? आप एक काम करो भैया, स्टाफ को कहो पानी नहीं आ रहा है, तो उसमें नहीं, हम तो नहीं जानते किसी को, हम तो जो स्टाफ यहाँ खड़ा, हम तो ऑलरेडी उसको बोलेंगे ना, या तो हमें बाहर निकलने दो, कोई सामान आता है एक एक घंटे दो दो घंटे से बड़ा बच्चे परेशान हर घंटे तो स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष को जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा घर पहुंचकर किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से युगों तक पीढ़ियां रहेंगी कृतज्ञ, कुछ यही कहना है जिला कलेक्टर नमित मेहता का। अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम का आगाज रविवार को स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष को सम्मानित करके किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने रतानी व्यासों का चौक स्थित सत्यनारायण हर्ष के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मेहता ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया बलिदान अमूल्य है, तो वहीं स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी सुनकर जिला कलेक्टर भावुक भी हो गए। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने अनुभवों को साझा भी किया, तो वहीं जिला कलेक्टर ने हर्ष दंपत्ति को विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर
सीधे उन्हीं से संपर्क किया जाए। जिला कलेक्टर मेहता के स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष के घर पहुंचकर उनका सम्मान करने पर मोहल्ले के लोगों ने आभार भी प्रकट किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह में सम्मान किया जाता है, परंतु इस वर्ष कोविड 19 के संक्रमण की संभावना के मद्देनजर स्वतंत्रता सेनानियों का उनके घर पर ही जाकर सम्मान किया जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा का 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बिजली की दरें कम करने, पिछले 6 माह का बिजली बिल माफ करने और महंगाई को कम करने, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर रोक लगाने, निजीकरण पर रोक लगाने और मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम देने, भारतमाला प्रोजेक्ट के किसानों को पूरा मुआवजा, भारतमाला NH 754 के संघर्ष समिति द्वारा पुलिस थानों में दिए गए परिवादों पर अनुसंधान कर तुरंत मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर 11 सूत्री मांगों का मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पूरे दाम दो, दाम दो, दाम दो, बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, कोरोना काल के बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसान के पूरे दाम दो, दाम दो, दाम दो, नरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम दो, काम दो, काम दो, नरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम दो, काम दो, काम दो, अखिल भारतीय किसान समाज जिंदाबाद, 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 भारतमाला किसानों का मामला पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, भारतमाला किसानों का मामला पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, जबरन भूमि हड़ताल बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर मुकदमा लागू करो, लागू करो, लागू करो, बिजली के दाम कम करो, कम करो, कम करो, बिजली के दाम कम करो, कम करो, कम करो, बिजली के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। हमारे संवाददाता ने की जिला सचिव अखिल भारतीय किसान खेत यूनियन के बजरंग छिम्पा से बातचीत। छोड़ो के बरसी के ऊपर आज 9 अगस्त को अखिल भारतीय स्तर पर किसान समन्वय समिति के आह्वान पर बीकानेर के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा सीटू अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य रूप से मांगे हैं कि नरेगा में जो मजदूर काम करें उनको 200 दिन का काम दिया जावे, बिजली के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम कम किया जावे, निजीकरण पर रोक लगाई जावे, भारतमाला के जो पीड़ित किसान हैं उनकी जो जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है उनको जबरदस्ती छीनी जा रही जमीनों पर रोका जावे और उनको पूरा मुआवजा दिया जावे। इसके अलावा उन्होंने जो परिवार दिए थानों में उन पर कार्रवाई किया जावे, इसको लेकर हमारा टोटल 11 सूत्री मांग पत्र है। इसको कार्रवाई को लेकर आज हमने राष्ट्रीय आह्वान पे ज्ञापन दिया है और अगर लगातार सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो इस आंदोलन को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। एक नज़र फिर से आज की सुर्खियों पर। रविवार को शाम तक अंकित हुए 64 नए पॉजिटिव केस। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आई हॉस्पिटल रेलवे ब्रिज से लेकर पवनपुरी नगर निगम द्वारा जा रहे नालों की सफाई कार्यों का किया निरीक्षण। क्रांति दिवस के अवसर पर कांग्रेस देहात सेवा दल द्वारा निकाली गई तिरंगा पद यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कर्मचारी मैदान में आदिवासी समाज द्वारा किया गया पौधारोपण कार्यक्रम।
अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर दिया गया ज्ञापन। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम का कोविड सेंटर एक बार फिर बना चर्चा का विषय। अव्यवस्थाओं को लेकर हालत हो रहे हैं बदतर। स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हर्ष को जिला कलेक्टर मेहता द्वारा किया गया सम्मानित। चलते चलते देखते हैं आज का क्या है विचार। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।